ये है बीकानेर का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्लांट। यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक होता है, सारी मशीनें काम करती हैं। और ये अभी जस्ट मेरे पीछे से आ रही है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, और ये धुलेगी। इसका वीडियो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा। देखिए कैसे क्या प्रक्रिया चलती है, क्या प्रोसीजर है। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट में वर्टिकल ब्रश घूम चुके हैं, और ये देखिए पहला जो पानी का चला है फवारा चल पड़ा है। ये प्लेन फवारा है, प्लेन पानी है, और इसके बाद सेकंड पाइप के अंदर, जो सेकंड पाइप है उसके अंदर ये है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये आ रही है। और ये देखिए धुलने के लिए, लाइवली देखिए आप, ये देखिए। ये पहले जो चैनल है उसके अंदर पानी निकल रहा है, सेकंड में तेज पानी से, और फिर वो ब्रश काम कर रहा है। ये देखिए लगातार, ऊपर भी छत पे भी अगर आप देख पाए तो छत पे भी पानी चल रहा है, साइड में पानी चल रहा है। पहले मैनुअल में अगर ये देखा जाए तो मैनुअल के अंदर वॉशिंग मशीन प्लांट जो नहीं था तब 3600 लीटर पानी मैनुअली लगा करता था, परंतु वॉशिंग मशीन प्लांट के अंदर केवल 1400 लीटर पानी लगता है। और ये पानी सारा का सारा नीचे, जैसे आप देख रहे हैं नीचे नाली में गिर रहा है, इसको वापस रिसाइकिल किया जाता है, और ये रिसाइकिल में जाके वापस सफाई होके इसको पुनः इसको यूज़ में लिया जाता है। इस प्रकार पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है और मैनुअल भी बचत होती है। देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ काम चल रहा है, कहीं भी कोई आदमी का काम नहीं है, सिर्फ मशीनें कैसे चलती हैं उसके लिए यहाँ के इंचार्ज है भवानी सिंह जी और अजय सिंह जी से मैं बात कराता हूँ। अभी आपकी ये देखिए ये वर्टिकल जो ब्रश है वो इस तरह से काम चल रहे हैं तीन बार में। ये पहली बार धुल रहे हैं, और ये देखिए ये पूरी मशीन इस तरह से धुल रही है। ये तीन तीन वर्टिकल ब्रश यहाँ चल रहे हैं और तीनों मिलकर इस गाड़ी का अच्छा सा धो रहे हैं। छत भी इसके ऊपर से धुलने के लिए ऊपर ये लगा हुआ है, और गाड़ी उस साइड से निकल रही है। फाइनली तेज प्रेशर के साथ सारी गाड़ी चमक के निकल रही है, वो देखिए। ये है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्लांट बीकानेर के अंदर, जिसके अंदर संपर्क क्रांति लाइवली धुल रही है। ये देखिए आप इस प्रकार से संपर्क क्रांति, ये पीछे से मैली गाड़ी आ रही है और यहाँ से ये धुल रही है। ये गाड़ी का पानी घिस रहा है और ये गाड़ी धुल रही है। ये ब्रश की स्पीड देखिए कितना तेजी से धुल रहा है वर्टिकल ब्रश, इसके अंदर केमिकल और पानी दोनों मिलके आ रहे हैं, और ये नीचे सारा पानी गिर रहा है और ये सारा का सारा पानी रिसाइकिल होएगा। रेल ऑटोमेटिक प्लांट के अंदर अगर आप बात करें तो 8 वर्टिकल ब्रश होते हैं, यानी कि 4 एक साइड लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में, चारों एक साथ। जब ये चलती गाड़ी जैसे एंटर करती है, अंदर के जो ऑपरेटर हैं वो इसको वर्टिकल ब्रश को, इनके बूमर को चालू कर देते हैं, और ऊपर इसके 4 हॉरिजेंटल ब्रशेज भी लगे हुए हैं जो गाड़ी के छत को भी धोते हैं, जिससे ऊपर की बीट वगैरह मिट्टी सब साफ हो जाए। कुल मिलाकर एक वो 240 लीटर पानी यूज़ करता है, इसका प्रयुक्त होता है। मैनुअल अगर काम किया करते थे तो 1500 लीटर पानी प्रति बोगी लगा करता था। कुल अगर इसकी प्लांट की अगर बात की कीमत करें तो इन्वेंटर की जो है लगभग इसकी 1.6 करोड़ की मूल लागत आती है एक प्लांट लगने के लिए, जो कि रिसाइकिल वेस्ट वाटर को भी साइकिल करके पानी की बचत करता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और इसमें जो धुलने वाले सभी प्रकार की कास्टिक सोडा या उनसे संबंधित जो भी लिक्विड है वह भी बहुत हल्के रेंज के, जिससे कि इनके कलर भी
बरकरार रहते हैं, इनके कलर भी नहीं होते। और इसको लास्ट में तेज़ पानी के फवारे के साथ धोने के बाद ब्लोअर से सुखा भी दिया जाता है, जिससे इनकी चमक बनी रहती है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्लांट है। और इस प्रकार ट्रेन पूरी धुल गई है, ये दो एल को इसको लेके आए हैं। मशीन फिर चल गई। इंजन भी चल रहा है, देखिए तो धुल गया है और एक के लिए पानी बंद कर दिया। लगभग आधा दिन लग जाता था धुलने में, अब केवल 12 से 15 मिनट के अंदर गाड़ी पूरी धुल के, 24 कोच पूरे धुल के तैयार हो जाते। ये है वॉशिंग मशीन प्लांट ऑटोमेटिक बीकानेर के अंदर। अब मैं आज WDM 3D। बीकानेर का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्लांट जो कि इन्वेंटा क्लीनर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है, और यहाँ के इंचार्ज है मिस्टर भवानी सिंह जी, जिनसे हम बात करते हैं। बहुत नमस्ते भवानी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है।
आप सर यहाँ काम करें तो ये बताइए मशीन कैसी कैसे चालू होती है, इसके क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन से शार्ट वगैरह लगते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं प्लीज। नमस्कार सर जी, ये अपने ऑटोमेटिक वॉश वॉशिंग प्लांट है, इसके अंतर्गत 8 वर्टिकल ब्रश होते हैं। कितने होते हैं सर? 8 वर्टिकल, 8 ब्रश। अच्छा। और 4 हॉरिजॉन्टल ब्रश होते हैं। अच्छा। इसके सबसे हॉरिजॉन्टल वो क्या काम आते हैं? वो सर ऊपर की छत का। अच्छा 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 ठीक है। और प्लस इसमें आगे आगे लो प्रेशर होता है, फिर केमिकल, फिर लो प्रेशर ब्लेंड, फिर वापस केमिकल, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। अच्छा जी। जिसमें फ्रेश पानी और लास्ट में इसमें होता है आरओ का पानी। आरओ का पानी। और उसके बाद होता है ब्लोअर अपने जो इसको। अच्छा, ब्लोअर भी होता है क्या? सारा प्लांट सर यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, ये ऑपरेशन वाला सिस्टम इनका आपका, ठीक है। अच्छा, जितना ये पानी घुल के आता है तो ये पानी आकर रिसाइकिल कहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में बताएं। पीछे मड टैंक बना हुआ है, उसके अंदर सारा पानी नाली के द्वारा आता है, उसके बाद हम उसको फिल्टर के द्वारा क्लीन करते हैं, फिर किसी भी टैंक में जाता है, किसी टैंक सेंट्रल टैंक। अच्छा, उसके बाद अपने रिसाइकिल होकर नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना, उसके अंदर रिसाइकिल होता है पानी। अच्छा, और इस प्रकार ये कितना समय लगता है गाड़ी धुलने के अंदर? 24 कोच सर, 24 कोच में मैक्सिमम गाड़ी की स्पीड, मैक्सिमम गाड़ी की स्पीड तो ऊपर है सर, इसमें अपने 10 से लेकर 15 मिनट तक। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह जी आपका हमारे से बात करने के लिए, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्लांट के संचालक श्री अजय सिंह जी, अजय सिंह जी आपका स्वागत है। आप बताएं ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट से और मैनुअल में क्या ज़्यादा विशेष अंतर था जो इसको ऑटोमेटिक को सरकार ने अपनाया है? पहले ऑटोमेटिक में 35,000 पानी से मैनुअली होती थी, ठीक है। अब 14,000 लगता है, काफी ज्यादा पानी का बचाव होता है। होता है और जो भी 14,000 लीटर पानी लगता है वही हम रिसाइकिल करके वापस यूज में इसको भी रीयूज कर लेते हैं, तो सारा बचत होगी। राजस्थान जहाँ की पानी की बहुत ही नितांत अभाव है, उसको आप सारा पानी बचाव ले कर लेते हैं। अच्छा, और केमिकल कौन कौन से यूज करते हैं? केमिकल ज्यादा हार्ड तो है नहीं। अच्छा, कलर वगैरह हाँ मेंटेन रहे, होता। अच्छा, और ये इसमें पहले जो ट्रेन आती थी जो 24 कोच की तो कितना समय लगता था, और अब की LHB 24 कोच की कितना ऑटोमेटिक कितना समय बचाती है? ऑटोमेटिक में लगभग 12 या 13 मिनट लगते हैं। अच्छा, और उसमें कितने लगा करते होंगे? उसमें तो 5-6 घंटे लगते थे। अच्छा, और आदमी भी ज्यादा लगते थे, तो 15। हाँ, तो इस प्रकार ये श्रम शक्ति अच्छा। अच्छा, ये आप यहाँ से ऑपरेट करते हो सारी मशीनें? हाँ, ये दो लो प्रेशर के हैं। अच्छा, ये केमिकल होंगे। अच्छा जी। और ये 8 पते में प्रैक्टिकल ग्रुप के। अच्छा जी। और ये हाई प्रेशर और ये मतलब। अच्छा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कब यूज करते हो आप? हाई प्रेशर तो पहले जो ये पानी रिसर्व तो होता है ट्रेन स्टार्टिंग में आती है, सबसे पहले हाई प्रेशर ही करते हो या लो? पहले लो प्रेशर, पहले लो, हल्का से पानी से धुलती है, फिर उसके बाद केमिकल। उसके बाद केमिकल। अच्छा जी। उसके बाद सबसे बाद में हाई प्रेशर से, उसके बाद ब्लोअर लगे। अच्छा, ब्लोअर उससे सूख जाता है। अच्छा, इस प्रकार गाड़ी 12 से 14 मिनट में पूरी 24 कोच की धुल जाती है। बहुत ही जल्दी काम होता है रेलवे का और बहुत ही साफ सफाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, रेलवे का पहला लोगो है स्वच्छता ही सेवा, और इस स्वच्छता की सेवा करने में भवानी सिंह जी और अजय सिंह जी दोनों लगे हुए हैं। इनको सैल्यूट है, इनके काम को भी सैल्यूट, और धन्यवाद, आप रेलवे के काम में बहुत हाथ बता रहे हैं और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे सारा विभिन्न प्रकार के केमिकल इसमें डाले जाते हैं, 5 तरह के केमिकल, जिससे इसको इसका फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें एल्यूमिनियम वगैरह कई सारे, और ये फिल्टर किया हुआ पानी फिर ग्रेजुअली इन 5 टंकियों में जाता है, जो आगे जाके फ्रेश हो जाता है, और इस फ्रेश किए हुए यूज़ किए हुए पानी को मिट्टी इसकी अलग छन जाती है, तेल ऑयल अलग निकल जाता है, और बाकी बचा हुआ पानी फ्रेश वो पूरे काम आता है रिसाइकिल। इस प्रकार ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्लांट है जो बीकानेर में रेलगाड़ी जैसे भारतीय रेलवे का लोगो है स्वच्छता ही सेवा, उसको पूरा अंजाम दे रहा है।